अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन गुरुवार को G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आ रहे हैं। इस दौरान उम्मीद जताई जा रही है कि वे कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा करेंगे। जो बाइडेन राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार भारत आएंगे। इससे पहले फरवरी 2020 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे। आमतौर पर G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दो देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत को शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति और सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ द्विपक्षीय बातचीत की मंजूरी दे दी है। बाइडेन के दौरे से पहले भारत और अमेरिका अपने द्विपक्षीय जुड़ाव के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं पर काम कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बाइडेन के भारत दौरे के दौरान दोनों देश छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों पर संभावित परमाणु समझौता कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रोन सौदे, जेट इंजन पर रक्षा सौदे के लिए अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी पर प्रगति पर भी चर्चा संभावित है। साथ ही दोनों के नेता यूक्रेन के लिए संयुक्त मानवीय सहायता देने पर चर्चा करेंगे। इस दौरान भारत कोशिश करेगा कि अमेरिका में भारतीयों के लिए अधिक उदार वीजा व्यवस्था तय हो और एक दूसरे के देशों में नए वाणिज्य दूतावास स्थापित किए जाने पर भी चर्चा संभव है। इंडियन एक्सप्रेस सूत्रों के हवाले में लिखता है कि भारतीय और अमेरिकी अधिकारी जो बाइडेन की पहली भारत यात्रा के लिए एक मजबूत और परिणाम देने वाला संयुक्त विज्ञापन तैयार करने को लेकर पिछले कुछ हफ्तों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। जून में पीएम मोदी के अमेरिकी में राजकीय दौरे के दौरान दोनों देशों ने भारत में 6 परमाणु रिएक्टरों के निर्माण के लिए न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी के बीच बातचीत की थी। अब छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर प्रौद्योगिकियों को विकसित करने पर चर्चा चल रही है। संभव है बाइडेन और पीएम इस पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि भारत ने यूक्रेन को अब तक लगभग 100 टन मानवीय सहायता भेजी है, जिसमें जरूरी दवाएं, मेडिकल डिवाइस, कंबल, तंबू, भोजन शामिल है। अमेरिका और भारत अब यूक्रेन को साझा मदद देने की योजना बना रहे हैं। हालांकि अब तक इस योजना को अंतिम रूप दिए जाने की खबर नहीं है। तमाम बड़ी खबरों पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।